एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और अभी टाइम हुआ है शाम के 6, और अभी मैं थोड़ी देर बाहर आई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, शायद मुझे ही लग रही होगी, लेकिन सच्ची में कुछ दिनों से गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी थोड़ा सा मतलब गर्मी के थोड़ा सा मतलब 5% थोड़ा रिलीफ मिला, इसलिए हम सभी बाहर आ गए हैं। मम्मी भी यहीं पे थे लेकिन वो सीमिया को लेकर गए हैं अंदर, क्योंकि वो डिमांड कर रही है कि मुझे चाय बना कर दो। जब अभी हमने पी तो वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं पीनी है। तो सीमिया के लिए इसलिए अलग से बना रहे हैं क्योंकि वो कर रही थी होमवर्क, जिसके चलते फिर बाद में मना कर रही थी। तो मम्मी ने कहा कि मैं बना देती हूँ, तो मम्मी उसके लिए बना रहे हैं चाय। और इसके बाद मुझे है थोड़ा सा काम, क्योंकि मुझे बर्तन की क्लीनिंग वगैरह करनी है। उसके बाद छोटा सा एक प्रैंक होने वाला है हस्बैंड के साथ, वो क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि क्या बात है। एक्चुअली मैं उनके साथ थोड़ा सी चीटिंग करने वाली हूँ। चीटिंग का मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा देखते हैं वो आगे से उनका रिएक्शन क्या होता है और वो क्या इस बात का आंसर मुझे देंगे। तो मुझे उनसे ये बोलना है कि मेरा फ़ोन टूट गया है तो मुझे नया फ़ोन लेकर दो। तो ये देखते हैं, मैं आईफोन की डिमांड करने वाली हूँ आज उनके साथ, तो वो मुझे लेकर देते हैं या नहीं, या फिर वो क्या कहते हैं आगे से, तो वो देखते हैं। अब उनको पूछूंगी मैं जब जाके, तभी पता चलेगा क्या कहते हैं। कि सिम्या की स्पेशल अपनी पोती के लिए चाय बना रहे हैं। मैंने तो जो बोला था ना मत बनाओ सज्जो चाय, कि जो बनाई तुझा मन अति कर दी पहले ना बच्चे जब मन होता है ना। तो मम्मी ने ना ये सिम्या को सिर में चढ़ा के रखा है, ये सारी उसकी डिमांडे पूरी करते रहते हैं। सिम्या की मम्मा ने किया मना, हाँ वो तो मैंने नहीं बनाया। और मम्मी ने हाँ तेरे को पूछा था ना, मैंने पूछा था ना, हाँ और मेरी सिम्या को चाय नहीं मिल रही थी। वो अंदर बैठी है देखो फोन लेकर, और ये मम्मी चले अभी इसके लिए चाय लेकर महारानी के लिए। यही वाला है बेटा, और दादी को थैंक यू भी कर दे। किसने आपको थैंक यू दिया? दादी को थैंक यू करते हैं, दादी ही जबरदस्ती है। अभी बना रही हूँ मैं शाम का खाना, और अभी टाइम हुआ है रात के 8। जल्दी से बना लेती हूँ, उसके बाद आगे का वीडियो करूँगी शूट। और चपातियाँ बना रही हूँ पहले मैं यहाँ पे, और साग सब्जी है और कुछ और भी है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ बताती हूँ। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है, दो दिनों से काफ़ी बढ़ गई है। पहले बीच में थोड़ा ठीक हो गई थी, लेकिन अभी फिर से गर्मी बहुत बढ़ गई। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 8:30, और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, और मैं सिम्या और साथ में मम्मी कहीं घूमने तो ले चलो, इतने दिन से घर में ही बैठे हैं हम, गर्मी में कहीं घूमने इस बार आप हमें घुमाने नहीं ले चले कहीं भी। चलो मणिमहेश चलते हैं। मणिमहेश कब से है वो? 7 तारीख को है, है अब 7 सितंबर को है ना, जन्माष्टमी वाले दिन है ना होता है वो। जन्माष्टमी को तो सिम में का फंक्शन भी होगा, पर पता क्या तू आप तो गई भी हो ना पहले मणिमहेश एक बार भी। मम्मी हम कब जाएंगे, हमें तो है ही नहीं कोई हुकुम हो रहा नहीं हो रहा, अब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर मौसम भी ठीक होगा, कभी तो चले जाना। इस बार तो बुरा ही लगा रास्ते का, वो भी है ना पहाड़ वगैरह गिर रहे हैं। सिमे जाना हम जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे फिर चलेंगे हम सब, ठीक है ठीक होंगे तो तब चले जाना 2-3 साल के बाद, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे हमारे, हम जाएंगे पापा और स्वरित लाना इसको अंदर मत। चाचू के रूम में सुसु तो नहीं कर गया स्वरित? नो ये चाचू नो सर, चाची बोल दे फ्लाइंग किश कर दे, चाची बोल दे किश कर दे, फ्लाइंग किश कर दे,
बाय निकलना गंदा है ये क्या जी ये गार्लिक ब्रेड और इसमें क्या मम्मी दिखाओ नान है भाई नान नान थोड़े नान है थोड़े वो लच्छा वाला होगा लच्छा परांठा ये बनाए मम्मी ने सारे फुल के मैं तो क्या बताए निके निके बड़े सिर्फ बाबा तो बोल देना चाहिए था ना कि मैं लेके आना तो मैं बनाने हाँ तो ये अपने ताई रखे ना तुसी गार्लिक ब्रेड दे इस वाली दो खिलाई दियो ना मैं पहले सुखा लिंदी ना अभी मंगा दी का वैसे घर की मुर्गी दाल बराबर वैसे तेरा पनीर भी दाल बराबर अच्छा बनाऊंगी मैं नहीं अगली बार में मत बना मैं खाना ही नहीं खाऊंगा हॉल में खाएंगे हम लाजवाब क्या ये आई डोंट नो कढ़ाई पनीर और शाही पनीर बट है पनीर ये? दाल मखनी कर दे बंद। तो ये जो आपने खाना देखा ये इस रेस्टोरेंट से आया था शाम के टाइम हस्बैंड और भैया गए थे थोड़ी देर यूं ही वॉक के लिए तो ये हमारे यहाँ पास में जीरो मिनट भद्रम में रेस्टोरेंट ओपन हुआ है कुछ टाइम ही हुए हैं कुछ महीने हो गए हैं इसको ओपन हुए काफ़ी अच्छा और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो हमारे घर से बस एक दो मिनट के रास्ते में ही एकदम पास में ही है मतलब अगर हम पैदल जाएंगे तब भी ईजिली पहुँच ही जाएंगे बहुत ही ज़्यादा पास में है तो यहाँ पे हस्बैंड और भैया तो काफ़ी बाहर जाते रहते हैं पापा भी जाते रहते हैं तो आज ये दोनों भी गए थे और ढेर सारा खाना लेकर आए जो मैंने आपको दिखाया था शाम को दिखा रही हूँ मतलब जो अभी दिखाया मैंने आपको तो ये यही रेस्टोरेंट से आया है यहाँ पे हर एक वैरायटी नॉन वेज वेज और फास्ट फूड हर एक चीज़ आइटम बड़ी इजीली मिलती है और काफ़ी अच्छी सर्विस है और बाहर का और अंदर का एरिया आपको मैंने दिखा दिया काफ़ी अच्छा और बिल्कुल क्लीन है सब कुछ तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है ये डाउन टाउन कैफे रेस्टोर है बिल्कुल हमारे घर के पास में है तो यहाँ से आया था खाना मम्मी कैसा टेस्ट अभी खाने तो दे बोला मेरे को शाही पनीर कढ़ाई पनीर शाही पनीर कढ़ाई दाल मखनी अच्छा है टेस्ट तेरे पापा देखे तीन जो कैसे इन जो खास कर खाना पसंद नहीं आता ना बाहर का कितना खाएगी बेटा घर का आता है इनको बाहर का नहीं आता इनको हाँ बाहर का मतलब अपने तो नखरे लगाते ये चले वैसे बढ़ाया तो भैया पहले खा रहे दाल मखनी भैया खाओ और बताओ इसका टेस्ट कैसा है दाल मखनी का टेस्ट कैसा है दाल मखनी और शाही पनीर शाही पनीर मम्मी यूं ही बनाया सर मुझे आपसे बात करनी है जरूरी मेरा फोन टूट गया मेरे को आईफोन कब लेकर दोगे बस 12 सितंबर को नया लॉन्च हो रहा है वो मैं ले लूंगा तू मेरा ले लेना पुराना आप ये कौन सी बात हुई भाई मैं नया ले लूंगा तू ले लेना पुराना तो क्या हुआ नहीं मेरे को भी नया चाहिए नया तो नहीं मिलेगा क्यों नहीं आप मेरे को अपने हमेशा सेकंड हैंड ही फोन देते आप जैसे ये पुराना हो गया तो आप बोलते ये तेरे को दे देना है हाँ तो कितने साल हो गए इसको जो लॉन्च हुए कितने साल हो गए बताओ 13 है ये 14 है तो मेरे को 15 ले दो हाँ तो मेरे को चाहिए 15 ये आपके अपने पास ही रखना मेरे को नहीं चाहिए मेरे को नया चाहिए बस मजाक नहीं कर रही मैंने बोला मेरे को नया फोन चाहिए बस ठीक है ले लेना नया मैं इसको बढ़िया से पैक कर दूंगा डब्बे में बिल्कुल नया है देख मैंने बोल दिया मेरे को भाई मेरे को आपने ये भी मेरे को पहले पुराना फोन दिया था ये आपके पास है हाँ तो कितने ये 2 साल यूज किया आपने पहले ये वाला भी सारे फोन 2 साल यूज किया हाँ तो इसको कितना टाइम हुआ इसको तो 2 साल हो ही गए 1 साल हुआ इसको
पिछले साल लिया था ये? पिछले साल हाँ, तो दो साल ही होते हैं वो। ठीक है, तो मतलब महीने बता जाओ ना कौन से महीने में। अगले महीने लॉन्च होएगा, वो तो मैं दूंगा ना, वो नया तेरे को पुराना। मैंने नहीं लेना है पुराना, मेरे को भी नया चाहिए भाई। हाँ, 14 आप लेना, 15 मेरे को लेकर देना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो मेरा बर्थडे भी है। सितंबर तो स्टार्ट भी हो गया। हाँ तो नया ये नहीं चाहिए नया। ये नहीं, मैंने बोल दिया बस, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। मैंने बोल तो दिया है कि मुझे नहीं चाहिए वाला, मुझे भी नया चाहिए। जैसे इनके पास नया होगा तो मुझे भी नया ही लेके दोगे आप। ओके,